તમારા બધાના ઘોડા ગોઠવા ગયા હો તો ઘોડેશ્વરો બેસી જાય જરા. હું આગો પાછો નથી થવાનો. બેસો, થાકે હશો. મંચ પર બિરાજમાન ગુજરાત કે ગવર્નર શ્રીમાન ઓમપ્રકાશ કોહલીજી, ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીજી, ઉપમુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, કેન્દ્ર મેં મંત્રી પરિષદ કે મેરે સાથી શ્રીમાન અશોક ગજપતિ રાજુજી, જયંત સિન્હાજી, યહાં કે સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન, એ ક્ષેત્ર સે વિધાયિકા મનીષાબહેન, રાજ્ય સરકાર કે મંત્રી શ્રીમાન રાજેન્દ્રજી, વિભાગ કે સચિવ શ્રીમાન આરએન ચૌબેજી, એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા કે અધ્યક્ષ ડૉક્ટર ગુરુપ્રસાદ મહાપાત્ર, ઓર ઉપસ્થિત સભી ભાઈઓ ઓર બહેનો, दो हजार चौदह मई महीने में प्रधानमंत्री के रूप में आप सब ने मुझे कार्य का जिम्मा सौंपा था और कुछ ही समय में दो महत्वपूर्ण काम, उसमें एक था जिसके लिए गुजरात पांच पांच दशक से इंतजार कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, कठिनाइयां झेल रहा था, उस सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने का काम सरकार में आते ही तुरंत पहला काम, शुरू के दिनों में जो काम किए उसमें एक था सरदार पटेल के नाम पर बनी हुई सरदार सरोवर योजना को उसकी ऊंचाई बढ़ाने के काम को अनुमति देना, और मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन करता हूं कि जिस तेज गति से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि समय सीमा से शायद कुछ दिन पहले इस काम को गुजरात सरकार पूरा कर देगी। दूसरा, इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम, ये भी 2014 के जून जुलाई में इसका कार्य आरंभ कर दिया गया और आज हिंदुस्तान के जो गणमान्य एयरपोर्ट गिने जाएंगे उसमें एक एयरपोर्ट वडोदरा का भी माना जाएगा। इन दिनों भारत सरकार स्थापत्य के क्षेत्र में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें एक बात पर बल दिया जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो,
इकोसिस्टम का ख्याल रखा गया हो। मुझे खुशी है कि भारत में नई सरकार बनने के बाद दो एयरपोर्ट एक प्रकार से ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। एक एयरपोर्ट अभी अभी उद्घाटन किया कोची में, केरल में, और दूसरा आज वडोदरा का राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। जीरो डिस्चार्ज, वेस्ट टू वेल्थ, एनर्जी सेविंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एक प्रकार से। और जब इस प्रकार के आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार होते हैं तो सामान्य जनता को भी इस प्रकार के काम के लिए उत्साह बढ़ता है। प्रारंभ में जो चीजें ज्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन एक बार अगर सरकार इंटरवेंशन करे और शुरुआत कर दे तो सामान्य नागरिक के लिए भी वे आर्थिक रूप से कम दाम में तैयार होते हैं। एक समय था कि कोयले से चलने वाले बिजली का कारखाना तो उसके अगल बगल में कोयले की ऐश का, कोयले की राख का ढेर लगा रहता था, और बिजली के कारखाने से बड़ा ढेर कोयले की राख का होता था, और कोयले की राख उठाने के लिए पैसे देने पड़ते थे, और अगल बगल में जो लोग मकान बनाया होता था वो चिल्लाते रहते थे कि भाई ये हटाओ हम तो मर जाएंगे। इस बिल्डिंग में जो ईंटों का उपयोग हुआ है, ब्रिक्स का उपयोग हुआ है, उस कोयले की ऐश से बनी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है, उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है, और जो वेस्ट जिसको हटाने का खर्चा करना पड़ता था वही यहां काम में लाया गया है, एनवायरमेंट की रक्षा की गई है। भारत में एविएशन सेक्टर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ बहुत तेजी से है, और अब मध्यम वर्ग के परिवार को भी उसका भी मन करता है अब ट्रेन में जाना अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार पूछेंगे अरे ट्रेन में आए तो उसको लगता है नहीं नहीं हवाई जहाज में जाए। एक प्रेस्टीज से जुड़ने लगा है हमारे देश में। एक अनुमान है कि भारत के एयरपोर्ट पर 5 साल के भीतर भीतर यह स्थिति होगी कि अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उतने लोग हमारे देश में साल भर में एयरपोर्ट पर होंगे। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सेक्टर कितना आगे बढ़ने वाला है। शायद भारत बहुत ही निकट भविष्य में दुनिया का तीसरे नंबर का देश बनेगा जहां एयरपोर्ट एक्टिविटी के मानकों को पार कर जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली है, इसके कारण आर्थिक कारोबार को गति आती है, और देश आजाद होने के बाद पहली बार इस सरकार ने अलग से एविएशन पॉलिसी बनाई है। हमारे देश में विमान उड़ते थे, एयरपोर्ट बनते थे, विमानों की खरीद बिक्री होती थी, लेकिन देश की कोई एविएशन पॉलिसी नहीं थी।
और इसलिए 5 साल में इसको कहां पहुंचाना है, 10 साल में कहां पहुंचाना है, देश के सामान्य मानवीय की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना है, उसका कोई विजन नहीं था। चलता था, बढ़ता था तो बढ़ता था, रुका था तो रुका था, ये था। और उसके तहत ये देश बहुत विशाल है, 8,000 एयरपोर्ट से इतना बड़ा देश चलाने के लिए अगर हम सोचते हैं तो हम देश की विकास यात्रा में रुकावट पैदा करते हैं। टायर 2, टायर 3 सिटी, इनमें भी उतना ही पोटेंशियल होता है अगर उनको एवियस सेक्टर का लाभ मिले तो देश की विकास यात्रा के नए आयाम खुल सकते हैं। और इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए 500 किलोमीटर के हिसाब से 2500 रुपये की टिकट, ताकि दूर सुदूर किसी को नागालैंड जाना है, किसी को अरुणाचल जाना है, किसी को मिजोरम जाना है, किसी को अंडमान निकोबार जाना है, किसी को लक्षद्वीप जाना है, किसी को कच्छ जाना है, केशोद, भावनगर, जूनागढ़ जाना है, ऐसे क्षेत्र जहां आज ट्रैफिक नहीं मिलता है, पुराने जमाने की एयर स्ट्रिप बनी पड़ी है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपांशन का एक मिशन मोड पर काम लिया है। अरे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होने वाला है और उसके तहत देश में, क्योंकि आज दुनिया जिस प्रकार की है उसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा महत्व है, फिजिकल कनेक्टिविटी भी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी भी चाहिए, अगर हाईवे चाहिए तो हाईवे भी चाहिए, हाईवे की जरूरत है तो इंफॉर्मेशन बेस की भी जरूरत है, उसी प्रकार से एयर ट्रैफिक की भी उतनी भी आवश्यकता है। टूरिज्म सेक्टर में आज जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एक एयर सेवा की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। भारत के टूरिज्म ग्रोथ तेज गति से बढ़ रहा है, संभावनाएं अपार है। अगर हम नागरिकों को डेस्टिनेशन पर जाने की सुविधा देते हैं तो डेस्टिनेशन पर वो 2 दिन 3 दिन ज्यादा रहता है, ज्यादा दिन रहता है तो ज्यादा खर्चा करता है, ज्यादा खर्चा करता है तो वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो इन्हें वे एयर ट्रैफिक से मल्टीपल इकोनॉमिकल इफेक्ट होती है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। बड़ौदा वासियों को ये नया नजराना आज मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा की एक अपनी पहचान तो है ही है, उस पहचान में एक 4 चांद लगाने का काम ये व्यवस्थाएं करेगी। बड़ौदा एक संस्कारी नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ साथ बड़ौदा शिक्षा का भी हब है। टेक्निकल एजुकेशन में बड़ौदा ने अपनी एक जगह बनाई है। बड़ौदा और विद्यानगर, उस दिशा में काफी उन्होंने काम किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है और जिसका असर आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है, 100 साल तक जिसका इम्पैक्ट रहने वाला है, ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। वो निर्णय है बड़ौदा में देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। पूरा विश्व रेलवे के क्षेत्र में अगर 100 नंबर पे पहुंचा है तो हिंदुस्तान 10 नंबर पे खड़ा है। आज भी हमारे डिब्बे, उनकी गति, वो झंडी फहराने वाला, वो सब ऐसा ही है।
दुनिया बदल चुकी है, बहुत इनोवेशन हुए हैं। पुरानी रेल है लेकिन उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी इनोवेशन के द्वारा भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार बदला जा सकता है। उस काम को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय रेलवे ने वडोदरा को चुना है। इस वर्ष वडोदरा रेलवे यूनिवर्सिटी, ये हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी आपकी इस बड़ौदा नगरी में बनने वाली है, उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अब बड़ौदा देश को करने वाला है। तो आज के अवसर पर आपसे मिलने का मुझे अवसर मिला, मुझे इसके बाद एक और कार्यक्रम के लिए जाना है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मुझे आशीर्वाद दिए, धन्यवाद। बहुत बहुत